को अब हम निभाएंगे। पहली बात तो मुझे यहाँ पे खसूसी तौर पे मैं खुर्रम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आफ्ताब भाई को, कि यहाँ पे काम करवाया। मैं भी बता रहा था मैं गवर्नमेंट कॉमर्स का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमने अपनी जवानी में बहुत टाइम इन गलियों में गुजारा हुआ है, यहाँ पे काम होते हुए देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपने वज़ीर आला का कहा वो शदीद नाराज़ हैं कि सिंध के लिए गलियों में आके वफाक क्यों काम कर रही है। ये उनकी बात दुरुस्त है कि वफाक का काम नहीं होता छोटी गलियाँ बनाना, लेकिन अगर सूबा एक साल नहीं दो साल नहीं दहाइयों नज़रअंदाज करेगा तो कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और इनके सिंध के अवाम का भी हक है कि जो ज़राए हैं जो वसाइल हैं रियासत के पास वो इनके लिए भी इनकी बेहतरी के इस्तेमाल हों। तो पहले भी अभी किया मैंने, अभी इनके इलाके के लोगों से एहलियान से पूछा था कि क्या हम काम कम बंद कर दें, क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, आप और मज़ीद काम करें, इंशाल्लाह ताला मज़ीद काम होता रहेगा। अभी हमने ये बंस रोड को बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कारपेटिंग वगैरह की है, यहाँ के मसाइल हल किए हैं, यहाँ हमारे ताजिर जो इत्तेहाद हैं मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनके साथ मिलके भी हमने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया, उनकी राय से को लेते हुए जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं। इसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कराची और स्पेशली साउथ में, क्योंकि ये पुराना इलाका है PS 109 और 110 का, और यहाँ पर ये जो हमने एफ़र्ट्स लगाई हैं ये अभी कोई 20-25% एफ़र्ट्स हैं और जिसका रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो मैं बड़ा मशहूर अपने प्राइम मिनिस्टर का और असद उमर साहब का कि जिन्होंने कराची के हवाले से बड़ी हमें सपोर्ट दी। अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ काम किया, पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, मैंने आफ्ताब सिद्दीकी बैठे हुए, और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर लिया, इलाके के लोगों को यहाँ के तो जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको हमने ऑनबोर्ड लिया है, यहाँ के जो रिहायशी उनको ऑनबोर्ड लिया है, और ये तो बंस रोड का एक मशहूर इलाका है। बंस रोड की तमाम गलियों को हमने कारपेटिंग कर दी है, पीने के पानी की लाइनें डाल दी हैं, सीवेज के कनेक्शन करा दिए हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा दिए हैं। हालाँकि ये काम हमारा नहीं था, ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का काम था, उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन क्योंकि काम नहीं कर रहे थे, कभी ज़िंदगी में इन्होंने काम किया नहीं तो मजबूरन हमें काम करना पड़ा है। PTI की टीम जिस तरीके से अपने वज़ीर आज़म के विजन को आगे बढ़ा रही है, जिस तरह ये बंस रोड का इलाका है, आरामबाग के इलाके हैं, जिस तरह मुद्दतों से जो पेंडिंग काम थे सीवरेज के पानी के, इसी तरह टूटी हुई सड़कें उसकी कारपेटिंग हुई, पेवनकारी हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन बात है